हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि दो कलर में है। आप चाहे तो इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, बेबी स्वेटर में भी आप इसे डाल सकते हैं। देखिए, इस तरीके से है ये डिज़ाइन। हार्डली अगर स्टिचेस की बात करें तो स्टिचेस जो है इसमें आप, मैंने इसमें 27 स्टिचेस लिए हैं, ये दो एस स्टिच के हैं। और बैक साइड से देखिए, रॉन्ग साइड में ये आपका सारा उल्टा ही बनेगा। और इसमें अगर हम बात करें इसकी, तो मैंने इसमें दो पैटर्न बना रखे हैं, एक यहाँ से ये यहाँ तक है और ये वाला यहाँ से यहाँ तक। देखिए इस तरीके से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी फ़र्स्ट रो। देखिए फर्स्ट रो में हमें किस तरीके से करना है। पहला फंदा हमारा ये एस स्टिच का है, एक फंदा हम इसमें सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे उतारेंगे। इस धागे को इस तरीके से घुमाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, फिर पांच फंदे, एक दो तीन चार पाँच, फिर धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे, फिर से पांच फंदे उतारेंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर से धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, एक धागा आगे करेंगे, फिर से पांच फंदे, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे उतारेंगे इस तरीके से, धागा पीछे, ये सीधा फंदा और ये हमारा एस स्टिच का। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड रो, इसमें जो उल्टी सिलाइयाँ हैं, उल्टी साइड जितनी भी हैं, रॉन्ग साइड की जितनी भी सिलाइयाँ हैं, वो सारी हमारी उल्टी ही बनेंगी। तो इस तरीके से हम इसको उल्टा उल्टा बना लेते हैं। जो फंदे हमने स्किप किए थे वो भी हम इस तरीके से इसको उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, हमने ये वाले फंदे स्लिप किए थे, तो इसको भी हम इस तरीके से पूरी रो उल्टी बना लेंगे। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। सेकेंड रो हमारी ये देखिए कंप्लीट हो चुकी है, ये इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और पांच फंदे स्किप करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे, एक फंदा फिर से सीधा, धागा आगे, फिर पाँच फंदे स्किप करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, फिर से पांच फंदे स्किप करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर से पांच फंदे स्किप करेंगे, धागा पीछे, और ये एक फंदा हमारा सीधा, लास्ट का फंदा एस स्टिच का। तो थर्ड रो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो हमें उल्टी बनानी है, तो मैं उल्टी बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमारी ये फोर रो कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमने फर्स्ट और थर्ड रो बनाई है, ऐसे ही हमें फिफ्थ और सेवन्थ रो बनानी है। और जो हमारी इसमें आपकी नेक्स्ट सिक्स और एट्थ रो है, वो हमारी सारी उल्टी जाएगी। तो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ इसमें किस तरीके से हमने बनाया है। फर्स्ट और थर्ड रो जैसे बनाई है, वैसे ही हमें फिफ्थ रो बनानी है। तो देखिए फिफ्थ रो बना लेते हैं। देखिए फिफ्थ रो हमारी इसी तरीके से बननी है, सिक्स रो हमारी उल्टी जाएगी। तो इसी धागे से, जो वाइट धागा है, क्योंकि दो कलर में डिज़ाइन बन रहा है, तो जो सिक्स रो है इसी धागे से हम उल्टे बनाएंगे। देखिए हमारी ये सिक्स रो भी कंप्लीट हो चुकी है। सेवन्थ रो फिर से हमें इसी तरीके से बनानी है जैसे हमने फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ रो बनाई है। तो इसे मैं बना लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये सेवन्थ रो जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसकी जो एट्थ रो है, जो एट्थ रो है वो अब हमारी इस पिंक कलर के धागे से बनेगी। तो कैसे बनाएंगे देखिए, इसमें इस तरीके से हम इसे थोड़ा ढीला रखेंगे और ये सारी एट्थ रो जो है हमारी, ये हमारी सारी उल्टी बनेगी। तो इसको पहले उल्टा बना लेते हैं, फिर नाइन्थ रो दिखाते हैं किस तरीके से बनेगी। देखिए इस तरीके से हमारी एट्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए इसमें नाइन्थ रो किस तरीके से बनानी है। पहला फंदा हम एस स्टिच का उतारेंगे,
एक फंदा सीधा जो हम अभी तक सीधा बना रहे थे। अब यहाँ पे जो पांच फंदे हैं उसमें से हमें इन दो फंदों को सीधा बनाना है, एक दो। ये जो बीच का फंदा है इसमें हम किस तरीके से लेंगे, ये जो चार फंदे हमने ये बनाए हैं ये धागे, इसमें अंदर की तरफ से सिलाई को लेकर जाना है, और जो ये फोर्थ धागा है इसको इस तरीके से लेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, वापस सिलाई पे इन दोनों को लेंगे और दो का एक कर देंगे, और दो फंदे ये हमारे सीधे। यहाँ से रिपीट पैटर्न है, देखिए एक फंदा जो हम सीधा बना रहे थे ये वो फंदा है। इसके बाद पांच में से हमें दो फंदे सीधे बनाने हैं, एक दो। इन चार में से ये जो हमें चार धागे दिख रहे हैं इनमें से अंदर की तरफ लेकर जाएंगे सिलाई को, और इस तरीके से इस धागे को उठाएंगे, इस फंदे को उतारेंगे, स्लिप करेंगे और इन दो का एक कर देंगे, और ये दो फंदे हमारे सीधे। फिर से देखिए रिपीट पैटर्न है, ये फंदा हम सीधा बना रहे थे, यहाँ पे पांच फंदों में से दो फंदे हमारे सीधे, इन चार फंदों में से ये जो हमारा चौथा फंदा है ये वाला फंदा, इसको इस तरीके से नीचे से लेके आएंगे, यहाँ से इस फंदे को उतारेंगे, वापस सिलाई पे लेंगे, इस तरीके से दो का एक कर देंगे। फिर से लास्ट में ये दो फंदे सीधे, ये फंदा हमारा सीधा ही था। यहाँ से रिपीट पैटर्न है, दो फंदे सीधे, इन चार फंदों में से ये जो चार धागे हैं हमारे ये वाले, इनमें से अंदर की तरफ से सिलाई लेके जाएंगे, फोर्थ फंदे को उठाएंगे, इसको स्लिप करेंगे, वापस सिलाई पे लेंगे और इस तरीके से दो का एक कर देंगे। लास्ट के फिर से ये दो फंदे हमारे सीधे, एक फंदा ये हमारा सीधा था और ये हमारा एस्टिच का। तो इस तरीके से ये हमारी 9th रो कम्प्लीट हो चुकी है। 10th रो में हमें सारी सिलाई उल्टी बनानी है, तो ये बना लेते हैं। तो ये हमारी 10th रो कम्प्लीट हो चुकी है। इसकी 11th रो, पहला फंदा स्टिच का, ये फंदा हम सीधा बना रहे थे, फिर से दो फंदे सीधे, एक दो। ये जो थर्ड फंदा जो हमारा था इसमें अब देखिए फिर से इन थर्ड में से चार फंदे में से हमने एक का किया था, ये इसमें से ये तीसरा जो धागा है इसको ऊपर लेकर जाएंगे, इस फंदे को पलटेंगे, सिलाई पर वापस लेंगे और दो का एक कर देंगे। फिर ये हमारे दो फंदे फिर से सीधे, ये बीच का फंदा ये हमारा सीधा ही था। देखिए पैटर्न रिपीट हो रहा है, दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, अब यहाँ पे अंदर से सिलाई डालेंगे, इस वाले फंदे को उठाएंगे और इसको पलट देंगे और इस तरीके से दो का एक कर देंगे। लास्ट में फिर से ये दो का, दो फंदे सीधे, ये फंदा हम दूसरा सीधा ही बना रहे थे। देखिए इसमें ये एक दो, दो फंदे सीधे, इसमें इस धागे को इस तरीके से थर्ड वाले को लेना है, इस धागे फंदे को पलटना है और इन दोनों को वापस सिलाई पर लेकर दो का एक करना है। तो ये रिपीट पैटर्न इसी तरीके से हमारा 11th रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। दो फंदे, ये जो थर्ड फंदा है इस तरीके से इसको लेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, दो का एक करेंगे, ये दो फंदे इसमें सीधे, ये फंदा सीधा और ये स्टिच का। तो ये 11th रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, देखिए इस तरीके से। 12th रो मैं बना लेती हूँ, 12th रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। 13th रो देखिए, फिर से पहला फंदा स्टिच का, एक फंदा सीधा, ये दो फंदे सीधे, ये जो थर्ड वाला फंदा है, अब देखिए यहाँ पे अब हमारे दो धागे रह गए, इसमें से फिर से पीछे की तरफ से सिलाई लेंगे, इस धागे को उठाएंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, वापस सिलाई पर लेंगे और इस तरीके से दो का एक कर देंगे, फिर से दो फंदे सीधे। तो ये पूरी रो हमारी इसी तरीके से जाएगी, जो ये हमारा ये वाला फंदा है इस पे हमें फिर से इस तरीके से इसको फंदे को उठा के इस फंदे को स्लिप करेंगे और वापस सिलाई पर लेके दो का एक करेंगे। तो ये पूरी कंप्लीट इसी तरीके से करेंगे रो, देखिए इस तरीके से इस फंदे को पलटेंगे, दो का एक करेंगे, फिर से यहाँ पे ये फंदा इसको पलटेंगे, इस तरीके से उठाएंगे, इस फंदे को पलटेंगे, वापस सिलाई पे लेंगे और दो का एक करेंगे। लास्ट के ये फंदे जो है हमारे
सरीके से सीधे जाएंगे और ये हमारा एस्टिच का फंदा। ये 13th रो हमारी देखिए कंप्लीट हो चुकी है, मैं 14th रो बना लेती हूँ। 14th रो देखिए हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है, इसकी 15th रो फिर से पहला फंदा स्टिच का। इस फंदे पे ये लास्ट फंदा जो है इसको इस तरीके से लेंगे, धागा पलटेंगे, फंदे को पलटेंगे और दो कई किस तरीके से कर देंगे। इस फंदे को उठाएंगे, पलटेंगे और दो कई कर देंगे। इस तरीके से इसे पलटेंगे और दो का एक कर देंगे। लास्ट पैटर्न है ये हमारा, इसे पलटेंगे दो का एक करेंगे। ये लास्ट फंदे हमारे स्टिच के सीधे। तो देखिए 15th रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है इस तरीके से। अब जो हमने 16th रो बनानी है वो 16th रो हमारी वाइट वाले धागे से आएगी, तो वाइट वाले धागे से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी हमारी उल्टी ही बनेगी, तो इसको मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको पूरा पैटर्न दिखाती हूँ। तो ये देखिए 16th रो हमारी जो इसमें है ये कंप्लीट हो चुकी है और ये जो पूरा पैटर्न है हमारा बन के इस तरीके से तैयार हो चुका है। तो आई होप सो आज का डिज़ाइन आप लोगों को ये पसंद आया होगा। 16 रो पे बनकर ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अगर डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।